We have already completed all the topics in respiratory system except this pulmonary circulation, which is an overlap topic with pulmonary and circulatory system. So as I am taking respiratory system, I complete this pulmonary circulation today. Otherwise it was Aparna ma'am's lecture today, but respiratory system is whole system is coming in your exam. So we wanted to complete respiratory system first. So pulmonary circulation hota kya hai basically? How it is different? Circulation ko sab ek jagah hai. Aapne naam suna hoga systemic circulation. Systemic circulation is aorta jahan nikalti hai left side of heart se, and it supplies to all the organs in the body. It goes everywhere. ठीक है, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. लेफ्ट हार्ट से जो चीजें निकल रही है एंड दे आर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. उसमें दो पार्ट होते हैं, आर्ट्रियल एंड वीनस पार्ट. ठीक है, वीनस पार्ट विल रिटर्न द ब्लड टू राइट साइड ऑफ द हार्ट. सो इन बिटवीन दैट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड देर इज वन मोर पार्ट दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, विच टेक्स ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड रिटर्न इट ऑन द लेफ्ट साइड. ये क्या करता है, सीधे हाथ की तरफ वाले हार्ट से लेके उल्टे हाथ वाले हार्ट की तरफ. और आपको पता है कि उल्टा साइड वाला हार्ट मतलब कि लेफ्ट साइड वाला हार्ट जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे भेजता है बॉडी को. इट्स फंक्शन इज टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी. बट वो ऑक्सीजनेशन होता कहाँ है, वो होता है लंग्स के अंदर. तो लंग्स के पास में ब्लड जाना चाहिए. तो वो ब्लड जाता कब है, जब वो राइट साइड से निकलता है तो वो राइट वेंट्रिकल से निकल के सीधा लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और वेन. आर्टरी इट गोज बाय आर्टरी बिकॉज एवरीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट इज एंड इट रिटर्न्स बैक थ्रू वेन. पल्मोनरी वेन ओपन इन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एट्रिया, देन इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इट गोज एंड देन from left ventricle whatever is coming out is systemic circulation. So in between that pulmonary circulation exists. So pulmonary circulation aapko function pata chal gaya ki iska function main function hai ki jo blood aa raha hai usko oxygenation karana. Theek hai, uske sath mein functions bhi ye perform karta hai. Jaise ki padhte waqt jab apne respiratory padha hai to apne non respiratory functions padhe the, usme apne ek padha tha it removes emboli. इट रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड, जो भी क्लॉट्स आते हैं उनको ब्लड से रिमूव कर देते हैं. सो इसकी जो एंडोथीलियम है वो फाइब्रोनोलाइटिक सब्सटेंस रिलीज कराती है. क्या करती है, फाइब्रोनोलाइटिक सब्सटेंसेस रिलीज कराती है जो कि लाइसिस कर देता है क्लॉट का और उनको डिजोल्व कर देता है. बिकॉज वी डोंट हैव चांस, वंस द ब्लड क्रॉसेस द लंग इट विल गो टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड और हार्ट में जाने के बाद में इट विल गो टू द डायरेक्टली फर्स्ट बिकॉज aorta carotid artery टट टट टट, और कोई क्लॉट रहा तो पट पट पट. सो इट क्रिएट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड मोस्ट ऑफ द क्लॉट्स आर जनरेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट वाई, यस यस यस, प्रेशर इज द कॉज. वट अबाउट द प्रेशर, इट्स लेस, प्रेशर इज लेस, तो ब्लड इज मोर स्टेगनेंट, दैट इज मोर स्टेगनेंट. स्टेगनेंट ब्लड प्रोड्यूस कॉगुलेबिलिटी, इट कैन इजली बी कॉगुलेटेड एंड वंस इट इज कॉगुलेटेड इट विल फॉर्म द क्लॉट्स. अब क्लॉट्स बनेंगे देन दे विल फॉर्म एम्बुलाइज, दे विल ट्रेवल. ठीक है, सो लेफ्ट साइड एंड द वीनस ब्लड, वीनस ब्लड इज रिटर्निंग फ्रॉम होल बॉडी. वीनस सिस्टम में वैसे ही ब्लड स्लो हो जाता है, इतना ज्यादा फ्लो नहीं होता वहां पे, तो वैसे ही स्टेगनेंसी है, वैसे ही वहां पे क्लॉट बनने के चांस है. ठीक है, एंड देन इट गोज टू द राइट साइड. अगर राइट साइड के किसी वेल्व में प्रॉब्लम है आपके, एट्री वेंट्रिकुलर वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व, उसके अंदर अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो देन इट विल फ्लटर एंड इट विल जनरेट एम्बोलाइज. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व when blood goes through the lung, and if it can't able to filter it then it will go into circulation.
So that is the very important, second important function. Another peculiarity of pulmonary circulation is it has very low pressure. It has very low pressure. अपन ने हाँ एक और चीज पढ़ी थी pulmonary circulation में कि we have lungs. भैया अपना phone silent कर लो आप. Lungs have, lungs act as a reservoir of the blood. Reservoir of the blood. एक तो पहले ये बात समझने की कोशिश करो कि जितना भी cardiac output हो रहा है that will pass through the lungs. क्योंकि जो चीज राइट वेंट्रिकल में आ रही है वही लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से पहले ये लंग से होके जा रही है. फुल अमाउंट ऑफ ब्लड इज क्रॉसिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इज क्रॉसिंग द लंग. नाउ एवरी सेकेंड, एवरी टाइम, एवरी मिनट 500 ml जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है. सो इफ योर कार्डियक आउटपुट इज गोइंग डाउन ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू डिहाइड्रेशन और सम अदर रीजन, so we can take out some blood from the lungs, will pour 500 ml of blood into the circulation and will try to resume the circulation. Aur hypovolemia ki condition agar generate hoti hai to wo reservoir blood wahan se aa jata. So we were talking about reservoir blood. So lungs have always 500 ml of blood and it can pour it into the circulation to resume the hypovolemic conditions if it occurs. So it also acts as a So how many ml? 500 ml. Most peculiar thing about this pulmonary circulation is it is pressure zone. क्या है? Low pressure zone है ये. यहाँ पे pressure सिर्फ highest pressure 25 mmHg का होता है. Low जाए तो 15 mmHg on an average, 15 mmHg के आसपास pressure. और systemic circulation में कितना रहता है? हाँ? 37. बेटा बॉडी टेम्परेचर रहता है 120/80. सिस्टोलिक प्रेशर अगर अपन माने तो इट इज 120 एंड व्हेन ब्लड गोज इनटू डायस्टोल इट इज 80 mmHg. सो हाईएस्ट इज 120 एंड लोएस्ट इज 80. ठीक है, इसके बीच में हमारा ब्लड प्रेशर रहता है. सो कम से कम 10 गुना डिफरेंस है दोनों के बीच में. सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के ब्लड प्रेशर में 10 गुना का डिफरेंस है. अब 10 गुना डिफरेंस से क्या फायदे हो रहे हैं हमें? और ऐसा पहले चलो ये बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है सर, क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन में कि उसका प्रेशर इतना कम रहता है. सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ना, उसमें जो आर्टरियोल्स और आर्टरीज होती है उनके अंदर मस्कुलेचर जो होता है, स्मूथ मस्कुलेचर जो होता है वो बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता है देन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. और जो उसकी बेसिक टोन होती है वो ही बहुत ज्यादा होती है और वो बेसिक टोन ज्यादा होने के कारण से वो हमेशा कंस्ट्रिक्टेड रहती है. कंस्ट्रिक्टेड रहने के कारण से जब प्रेशर जाता है वहां से, मतलब ब्लड जाता है तो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस देगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा हार्ट को, तो इट ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई और यहां पे है प्रेशर कम. प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है. ये जो वेसल्स है ये बड़ी कंप्लायंट है. कंप्लायंट, कंप्लायंट का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रेशर ज्यादा आएगा. हाँ बोल दो, कौन बोल रहा है बताओ. अच्छी बात है, बोलो बोलो, जो भी बोल रहे थे बोलो, कोई बात, जो भी, कौन बोल रहा था बोलो. ठीक है, एबिलिटी टू डिस्टेंड, एबिलिटी टू डिस्टेंड, एबिलिटी डिट. भाई मैं कंप्लायंट हूं, कोई अगर आप मेरे लिए बोलो कि सर कंप्लायंट है क्योंकि 20 मिनट बाद इसको अलाउ किया, 25 मिनट बाद उन दो को अलाउ किया एंड अपना जो सीनियर टीचर है मे भी कंप्लायंट ना हो. कंप्लायंट इज हाउ वेरी वेल यू कैन अकोमोडेट, इंग्लिश में बताना. और यहां पे मतलब है कि भाई जो आर्टरी वो मतलब कि हाउ मच ब्लड लेकिन विदाउट इंक्रीज प्रेशर चीज नहीं होने देंगी बट बिकॉज ऑफ देयर आर्टेरियल वॉल रेजिस्टेंस दे आर इजी टू डायलेट होके जगह बना लेंगे उसके लिए. अपने वीनस सिस्टम होता है, वीनस सिस्टम भी बहुत ज्यादा कंप्लायंट होता है, जितना भी ब्लड आए उसको अकोमोडेट कर बैठ जाता है. वापस ब्लड हार्ट के पास भेजे कि नहीं भेजे बट वो अपने पास में रख लेता है.
it has lot of space. Compliance accommodate kar payega, and here also the pulmonary circulation will be able to accommodate the blood even when the systemic circulation mein blood pressure increase bhi ho jaye. To bhi inka pressure jo hota hai wo itna easily increase. इतना इंक्रीज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये कंप्लायंट है और इनके अंदर रेजिस्टेंस कम है और ये इजीली डायलेट हो जाती हैं. जो भी चीज है उसको अकोमोडेट कर लेगी तो प्रेशर इंक्रीज होने ही नहीं देगी. अब अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? ऐसी मेकैनिज्म क्यों बनाएंगे भाई? होने तो प्रेशर इंक्रीज, क्या फर्क पड़ रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी थोड़ा बहुत इधर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? That is not a reason. Oxygen is नहीं, but वो accommodative है ना बेटा, इसीलिए तो they easily expand. They are thin, that is correct, but they are that's why they can easily expand also. So they will accommodate the blood. बट अगर प्रेशर किसी न किसी रीजन के कारण अगर पल्मोनरी प्रेशर भी इंक्रीज होने लग जाता है तो क्या होगा? एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है? इट विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा. तो आवाज कहां से आई भाई? ये पंख ना चले, आग जरूर लगा देंगे. सो इट कैन लीड टू पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी एडिमा पे लगकर प्रेशर इंक्रीज होने से क्या पड़ता है पल्मोनरी एडिमा? क्यों बेटा बताओ, पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है प्रेशर इंक्रीज होने से? अरे क्या हुआ? खड़ा हो पहले, टीचर बात करे तो खड़ा तो हो जाएगा. ऊपर देख, ऊपर देख, बताओ सर क्या होगा पल्मोनरी एडिमा? क्यों होगा एवरीबॉडी? क्यों होगा पल्मोनरी एडिमा? चल मान ले ठीक है. क्या कहां पे होता है एडिमा? एडिमा मतलब क्या होता है ये बता पहले. अपन जो टिश्यूज पढ़ते हैं, टिश्यू की स्पेस होती है, बीच में दो सेल रखे रहते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है. स्पेस होती है, क्या बोलते हैं स्पेस को? टिश्यू स्पेस होती है ना. अपने कोई भी टिश्यू बनाते हैं तो उसके बीच में सेल्स बनाते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस. ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? फ्लूइड इज विद द फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लिम्फ बेटा लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, फिल्टर होके देन इट इज कॉल्ड एज लिम्फ. But that before that it is extracellular fluid. The fluid inside the cell is intracellular fluid. The fluid outside the cell is extracellular fluid. ठीक है, अब ये extracellular जो fluid आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है? अब वो जो interstitial जो space है उसके ऊपर से या उसके पास से कहीं से कोई ना कोई capillary जा रही होगी. हर जगह पे blood supply हो रहा है तो capillary जा रही होगी या पास से. capillary का function क्या होता है? कैपिलरी की स्ट्रक्चर आपने देखी है सबने. कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसमें क्या होता है? फेनेस्ट्रा, छेद होते हैं. छेद तो नहीं होता, गैप होता है बेसिकली. जो लेयरिंग होती है उसकी वो इस तरह की होती है कि उनके सेल्स के बीच में गैप होता है एंड इट अलाउज द क्या? गैप के कारण क्या होगा? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होगा एंड दैट फिल्ट्रेशन विल लीड टू जनरेशन ऑफ ईसीएफ. बट ईसीएफ विल बी रिमूव बाय द लिम्फ. ठीक है, जितना आ रहा है उतना रिमूव हो जाता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम जो है बना रहता है. नाउ अगर ये जो कैपिलरी है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? ये जो कैपिलरी है इसके अंदर डेफिनेटली देर इज ए फ्लूइड फ्लोइंग एंड एवरी फ्लूइड इज हैविंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. एवरी फ्लूइड, जहां पे भी फ्लूइड है, दैट विल बी हैविंग ए हाइड्रोस्टेटिक
प्रेशर, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है चीजों को, जिस भी उसको जिस भी चीज में डालोगे उस चीज से वो बाहर आने की कोशिश करेगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, आप होली खेलते हो, होली पे आप वो पानी वाले बलून फुलाते हो, उसमें एक छेद कर दो तो क्या होगा, पानी फटाफट प्रेशर से बाहर आने लगेगा, बिकॉज दैट वाटर इज कॉन्स्टेंटली पुटिंग अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ बलून। ठीक है, तो वो बलून या कोई भी कंटेनर हो, आपकी बोतल को पंचर कर दो आप, तो वो पानी निकलने लग जाएगा बाहर, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली अंडर द प्रेशर। वंस द प्रेशर इज रिलीज इट विल गेट कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस, जहां पे भी उसको जगह मिलेगी। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है बेटा, बिकॉज देर इज ए फ्लूइड इन द, व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेज व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, एंड दिस इज ए आउटवर्ड फोर्स। ये कोई भी चीज जो कैपिलरी के अंदर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इट्स अ आउटवर्ड फोर्स। एंड सिमिलरली द ईसीएफ, ईसीएफ जो पड़ा हुआ है इंटरस्टीशियल स्पेस में, दैट इज अगेन ए फ्लूइड, एंड दैट इज अगेन इन ए क्लोज स्पेस, सो दैट विल ऑल्सो बी हैविंग सम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बट दैट फ्लूइड इज नॉट दैट मच विच इज इनसाइड द कैपिलरीज, बट इट हैज सम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सो इट विल ट्राई टू पुश समथिंग इनसाइड द कैपिलरीज, एंड द फ्लूइड इनसाइड द कैपिलरीज विल ट्राई टू मूव द थिंग्स आउटसाइड। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, बट बिकॉज नॉर्मली दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट वट एवर इज कमिंग आउट दैट इज इन, दैट इज नॉट दैट मच विच इज नॉट बीन रिमूव बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, तो वो चलता रहता है प्रोसेस। बट अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कैपिलरी का प्रेशर अगर बढ़ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। So that pressure, if it increases very much, so what will happen? Excess of fluid will be thrown outside from the capillary. Now the fluid is filling inside the ECF. So जैसे जैसे ECF में fluid भरेगा, ECF का क्या होगा? Hydrostatic pressure will rise. ठीक है, अब ये चल रहा है, ये इधर से hydrostatic pressure, but ये बहुत time लगाता है increase होने में, लेने बैठा बैठ जाए, तो ये बहुत टाइम लगाता है इंक्रीज होने में। मीन वाइल लॉट्स ऑफ फ्लूइड विल कम आउटसाइड, दैट फ्लूइड विल डिपॉजिट इनटू इंटरस्टीशियल स्पेस एंड इट इज नोन एज इडीमा। क्या बोलेंगे उसको? इडीमा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही वहां पे काम कर रहा है, देयर इज अनदर प्रेशर इज ऑल्सो वर्किंग देयर। एक और प्रेशर है जो कि वहां पे काम कर रहा है और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के उल्टी साइड में काम करता है। बता सकते हो ब्लड के अंदर और क्या होता है? क्या होता है ब्लड के अंदर? फ्लूइड है, मतलब एक तो लिक्विड पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर देयर, प्रोटीन्स आर देयर, सो व्हाट प्रोटीन्स डन, प्रोटीन्स आपने पढ़ा है ऑन्कोटिक प्रेशर होता है प्रोटीन्स के कारण से, देयर इज ऑलवेज ए ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन, ऑन्कोटिक प्रेशर इज नेगेटिव। वो क्या करते हैं? अपनी साइड खींचते हैं चीजों को। नाउ दिस प्रोटीन इज इनसाइड द कैपिलरीज, इट इज नॉट आउटसाइड, क्योंकि प्रोटीन नहीं होते, वो बड़े होते हैं, तो बहुत कम प्रोटीन जो कि एक्सट्रा फ्लूइड पे पड़े होंगे, बाकी जो प्रोटीन है वो कैपिलरीज के अंदर है, सो दे हैव नेगेटिव प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आउटसाइड एंड दिस ऑन्कोटिक प्रेशर इज इनसाइड। तो ये क्या करते हैं भाई, ये अपना जो सामान है बचा के रखना चाहते हैं, अपना फ्लूइड अपने पास रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज इट, सो दे हैव सकिंग प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर, एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज आउटवर्ड प्रेशर। इनवर्ड प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर, इन दोनों को माइनस करोगे, जितना प्रेशर बचेगा दैट इज द ग्रॉस या टोटल प्रेशर विच इज गोइंग आउटसाइड। अब ये तो हो गया आपका एक कैलकुलेशन, अब इधर वाले को भी आप कंसिडर करना पड़ेगा, ईसीएफ वाले को, ईसीएफ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आ रहा है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्रोटीन नहीं है तो ऑन्कोटिक प्रेशर वहां नहीं होगा। बट इन इन केस अगर यह जो आपका एंडोथेलियम मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है ऑफ कैपिलरीज, इट गेट डैमेज, बहुत सारे रीजंस हो, डैमेज हो, बर्न के केस में डैमेज हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा एक्सरेज आए या फिर कोई यूवी रेज आए या इस तरह की डैमेजिंग रेज आए, और भी बहुत सारे रीजन है जिन केसेस में ये जो आपका एंडोथेलियल है, जो फेनेस्ट्राज है, ये बड़े हो जाते. नाउ दे आर कंपेटेबल फॉर प्रोटीन टू पास. तो क्या होगा, प्रोटीन भी पास हो जाएगा. ये मैं बाद का सिनेरियो बता रहा हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू पल्मोनरी एडिमा, बट इन मेनी केसेस दिस ऑल्सो हैपन. सो दिस फेनेस्ट्राज विल बी लार्ज एंड दे स्टार्ट फिल्टरिंग प्रोटीन ऑल्सो. तो प्रोटीन बाहर आ गया अभी. अब प्रोटीन बाहर आने से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा ना, जहां पे प्रोटीन था नहीं वहां प्रोटीन आ गया, तो फोर्सेस में अब क्या चेंजेस आ गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आउटसाइड, अंदर का ऑन्कोटिक प्रेशर इनसाइड. ठीक है, अब ईसीएफ में क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो बिल्डअप हो ही गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द फ्लूइड. एंड दूसरी चीज क्या हो गई कि भाई प्रोटीन भी आ गए, साथ साथ प्रोटीन भी आ गए. अब जैसे ही प्रोटीन आएंगे तो वो फिर खींचना शुरू करेंगे साइड में, तो अगेन इट विल ट्राई टू ब्रिंग द फ्लूइड आउटसाइड फ्रॉम द कैपिलरी एंड इट विल इंक्रीज द एडिमा. एडिमा इंक्रीज होता जाएगा और जितना फिल्ट्रेशन होगा प्रोटीन और बाहर आएगा, तो और ज्यादा फ्लूइड अपने साथ लेके आएगा, सो देयर विल बी लार्ज एडिमा. अनटिल अनलेस वी लोअर डाउन द प्रेशर, वी लोअर डाउन द, वी रिमूव द कॉज ऑफ डैमेज एंड करेक्ट कॉज, जो भी कॉज है उसको करेक्ट करें ताकि वो कैपिलरी हील है एंड इट स्टॉप्स द प्रोटीन टू मूव आउटसाइड. सो एडिमा का आपको समझ आया कि एडिमा क्यों होता है, द रीजन ऑफ एडिमा. सो वेन एवर दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस होता है फ्लूड का, जो बैलेंस है कैपिलरी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का जो बैलेंस है, अगर ये बिगड़ता है तो आपका एडिमा होता है. ये कोई भी जगह के लिए लागू होता है, नॉट फॉर पल्मोनरी, एवरी प्लेस. हर जगह पे कैपिलरी जाती है, हर जगह पे ईसीएफ है, हर जगह पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो जहां पे भी ये बैलेंस खराब होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर वाला, इट विल लीड टू द एडिमा ऑफ दैट प्लेस. सिमिलरली इट विल लीड टू द एडिमा ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन ज्यादा बढ़े. सो लास्ट लाइन देखो आप, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अबाउट 1/10 ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये अपन ने देखा अभी, एवरी पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो पल्मोनरी आर्टरीज अभी क्या करती है, दे रन पैरेलल टू द, जो भी एल्वोलाई डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ चलती है एकदम, और उसके साथ साथ चलते चलते वो उस पूरे अपन जो भी एल्वोलस बनता है, जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में यहां दिखाया आपको, इस तरह से उसको पूरा कवर कर लेती है, एक बास्केट बना देती है पूरी उसके लिए, और उसको कवर करके रखती है पूरा, ताकि जितना भी ब्लड पास हो वो एयर के कांटेक्ट में आए. एल्वियोलाई का जितना भी स्पेस है वो वेस्ट नहीं हो, उसका अंदर पूरा का पूरा ब्लड के कांटेक्ट में आना चाहिए. तो एल्वियोलाई जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दे आर इमर्ज्ड इन द ब्लड, ताकि पूरा एक्सचेंज जो प्रोसेस है हमारा वो अच्छे से हो सके. इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कैपिलरी लैटिस. लैटिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, पतला लेयर बनाती है चारों तरफ, और वो लेयर पूरा ब्लड को एकदम कांटेक्ट में रखता है एयर के, ताकि एक्सचेंज बढ़िया हो सके. फंक्शंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको पता ही है, गैस एक्सचेंज करता है मेन फंक्शन, सेकंड इज इट सर्व एज ए फिल्टर, थ्रोम्बाई को निकालता है जो अपन ने बात करी, देन मेटाबॉलिक फंक्शन भी है इसका, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन, जो मेन मेटाबॉलिक फंक्शन है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर. ठीक है, इसके बिना ये एंजियोटेंसिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा. ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है लोकेटेड मेनली इन द सर्फेस ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स. यहां पर यह ACE जो एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो प्रेजेंट रहता है. इसके साथ साथ में इट हैज रोल इन इनएक्टिवेटिंग ब्रेडिकैनिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज आल्सो इनएक्टिवेटेड. अब ये जो है, ये सारे हॉर्मोन्स हैं और वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, दीज आर वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज. अगर हमने इनको नहीं निकाला
तो ये अपना फंक्शन कंटिन्यूअसली करते रहेंगे एंड दे विल डिस्टर्ब विद द फंक्शन ऑफ बॉडी. ये रिलीज होते हैं ड्यू टू सम कॉज एंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, बट वो फंक्शन खत्म होने के बाद में इनको ब्लड से रिमूव करना पड़ता है. सो दैट इज दैट विल बी डन बाय द लंग्स. फोर्थ पॉइंट अपन ने बात हो गई अपनी 500 ml ऑफ रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है. ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, लो प्रेशर है एंड लो रेजिस्टेंस है, हैव थिन वॉल, तो मोर कंप्लायंट, हाई कंप्लायंस, ये सब अपन ने बात की. अकोमोडेट रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ कैपिलरीज इज डिफरेंट. बाकी बॉडी में जो कैपिलरीज की अरेंजमेंट रहती है वो थोड़ी अलग होती है, और यहाँ पे जो है आप उसको बोलोगे, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि भाई पल्मोनरी कैपिलरी का फॉर्मेशन जो है उसको क्या बोलते हैं. तो इट इज लेटिस स्ट्रक्चर्ड. सो ये क्यों होता है इस तरह से कि ब्लड जो है वो थिन शीट की तरह इसके चारों तरफ फैला रहे. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड शुड कम इन कॉन्टेक्ट विद द एल्वोलाइज सो दैट बेटर एक्सचेंज इज पॉसिबल. और ये थिन वॉल होने के कारण से क्या होता है कि वेन एवर देर इज इंक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर, दीज कैपिलरी विल बी कंप्रेस्ड बाय द एल्वोलाई एंड दे विल बी कॉलेप्स, दे विल बंद हो जाएंगे वो. अब एक दूसरी चीज होती है वेज प्रेशर. वेज प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, वी टेक दिस प्रेशर फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू द राइट एट्रियल लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, बिकॉज लेफ्ट एट्रिया इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो जो भी वेज प्रेशर हमें मिलेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, जो भी प्रेशर अपन को मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू राइट एट्रियल लेफ्ट एट्रियल प्रेशर. And that pressure is known as wedge pressure. आप प्रॉब डाल सकते हो आराम से और उससे प्रेशर का पता कर सकते हो इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेजिस्टेंस लो होने के दो फैक्टर्स हैं. पल्मोनरी वेसल्स आर थिन शॉर्ट एंड वाइड, दे हैव हाई कंप्लायंस एंड द रेस्टिंग वैसोकंस्ट्रिक्टेड टोन इज वेरी लो, इट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. यहां पर रेस्टिंग टोन नहीं होती कोई. अगर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करोगे तो आर्टेरियल्स में हमेशा एक रेस्टिंग टोन रहती है, जिस कारण से वो कुछ हद तक कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं और प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं. अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेशर मेंटेन करके रखो. क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबा है ट्रेवल करने के लिए. सम प्लेसेस इट गोज अगेंस्ट ग्रेविटी ऑल्सो, बट यहां पे क्या है, दीज आर थिन एंड शॉर्ट है, इनके अंदर डिस्टेंस बहुत कम है जो इनको ट्रेवल करना है. सो लो प्रेशर कैन बी इजिली मेंटेन्ड. अगर यही जगह होती, लंग्स बहुत बड़े होते, पूरे 6-7 फिट के होते, तो लो प्रेशर में काम नहीं चलता. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर रेजिस्टेंस फॉल विथ इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर. अब पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ में जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये कंप्लायंट वेसल्स है और ये कितना भी ब्लड अपने आप अपने पास में आराम से इकट्ठा करके रख सकते हैं एंड दे हैव वेरी वेरी दे कैन इजीली डायलेट. सो जो भी अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो दे कैन इजीली एकोमोडेट दैट एंड प्रेशर को चेंज नहीं होते. एंड एक और चीज ये करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिलरी रिक्रूटमेंट. कैपिलरी रिक्रूटमेंट के अंदर आपको क्या करेंगे, ये हमने जब बात करी थी पहले, तो अपन ने ये बात करी थी कि जो एपेक्स होता है वहां पे सर्कुलेशन कम जाता है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हार्ट को वहां पे पंप करने के लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए. तो एपेक्स तक हम मान के चलते हैं कि ब्लड स्टैंडिंग पोजीशन में इतना सही से नहीं जाता है, तो कुछ कैपिलरीज जो होती है वो हमेशा बंद होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज केस में क्या होगा, क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कैपिलरीज विल ओपन एंड इट विल इंक्रीज द एक्सचेंज एरिया, तो डिफ्यूजन के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा. उसी तरह से जैसे ही आपका कार्डियक आउटपुट या आपका कोई भी रीजन से इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर या फिर आर्टेरियल प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, तो
So what will happen? It will increase the recruitment of capillaries जो कि बंद थी. रिक्रूटमेंट क्या होता है? काम करने के लिए और लोगों को बुलाना. तो ये जो कैपिलरीज इसकी फालतू पड़ी हुई थी, जो काम नहीं कर रही थी, जो इन्वॉल्व नहीं थी, कॉलेप्स थी, उनको ये इन्वॉल्व कर लेगी. सो दैट इज नोन एज कैपिलरी रिक्रूटमेंट फिनोमेना, जिस कारण से प्रेशर इतनी जल्दी यहां पे इंक्रीज नहीं होता. सेकेंड इज कैपिलरी डिस्टेंशन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज प्रेशर. जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, ये डायलेट होकर डिस्टेंड हो जाएंगी, और कंप्लायंट है तो ये ज्यादा जगह क्रिएट कर लेंगी, और जैसे ही जगह क्रिएट होगी तो जितना ही ब्लड आया वो अकोमोडेट हो जाएगा आराम से विदाउट रेजिंग द प्रेशर. नाउ व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लो रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के फायदे क्या है? यहां पे लो रेजिस्टेंस है, लो प्रेशर है, उसके फायदे क्या हो रहे हैं? इसके कारण से जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है ज्यादा टाइम मिलेगा एक्सचेंज होने का, ब्लड ज्यादा टाइम रहेगा. इवन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द मेन आर्टरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, बट वो पल्मोनरी में आके वैसा ही हो जाएगा. तो एक यूनिफॉर्म टाइम मिलेगा ब्लड को डिफ्यूज होने के लिए. अब जैसे ही कैपिलरीज जो डिस्टेंट होती है, डिस्टेंशन होता है उनका, उनका डिस्टेंशन विल लीड टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, एंड वंस द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द एरिया फॉर द डिफ्यूजन विल आल्सो इंक्रीज. सो इट विल लीड टू मोर गैस डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वोलाई और कैपिलरी एल्वोलाई जंक्शन. एंड ए हाई कैपिलरी प्रेशर can cause pulmonary edema and impair the gas exchange. For example, during vigorous exercise, cardiac output increases enormously and that increases the blood flow, pressure, pulmonary circulation. And but because of this low resistance and all these things, it prevents the pulmonary edema also. पल्मोनरी ब्लड फ्लो 500 ml होता है किसी भी टाइम पे. अपन ने बात करी वो 500 ml जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से है. पल्मोनरी आर्टरी में 150 ml है, पल्मोनरी वेन में 270 है, इन पल्मोनरी कैपिलरीज 80 ml. तो इन जगहों पे ये पड़ा हुआ है एंड इट इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल ब्लड सर्कुलेशन. 5 लीटर अगर आपका सर्कुलेशन हो रहा है, 500 ml यहां. Now we know that distribution of pulmonary blood flow is more in the base, less in the apex. ठीक है? Because of effect of gravity. Factors affecting pulmonary blood flow. Resistance आएगा सबसे पहले, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे. फिर हमने gravity की बात करी, तो gravity आएगा. Then alveolar pressure, क्योंकि alveolar pressure अगर ज्यादा होगा तो capillaries को बंद कर देगा, collapse कर देगा. Arterial to venous pressure gradient कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, खींचेगा, क्योंकि दैट डिफरेंस विल बी द फोर्स विच इज जनरेटेड टू फ्लो ऑफ द ब्लड. अब पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है इज अफेक्टेड बाय लंग वॉल्यूम्स, बिकॉज लंग वॉल्यूम के कारण से ये कॉलेप्स कर जाते हैं कैपिलरीज. हॉर्मोन्स के ऊपर, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन ये सब प्रोसेस कराते हैं, एंड ऑक्सीजन टेंशन आल्सो. लंग वॉल्यूम्स, टू टाइप ऑफ एल्वुलर वेसल्स एंड एक्स्ट्रा एल्वुलर वेसल्स. तो ये डिपेंड करता है हाई, दो तरह की चीजें होती है इसमें. अगर वॉल्यूम हाई भी हुआ या वॉल्यूम लो भी हुआ, दोनों कंडीशन में जो कैपिलरीज है वो बंद हो जाती है. बट एट फंक्शनल रेजिडुअल जो कैपेसिटी वाला प्रेशर रहता है, लोएस्ट एट फंक्शनल कैपेसिटी, तो वहां पे जो ब्लड प्रेशर, जो आपका फ्लो है वो मैक्सिमम मेंटेन रहेगा. बाकी हाई एंड लो कंडीशन दोनों के अंदर जो आपका फ्लो है वो अफेक्ट होगा. हॉर्मोन्स के अंदर देर आर हिस्टामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, लिक्विट्रिन, दीज आर पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर. तो ये
कंस्ट्रिक्ट कराकर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराएंगे. एडिनोसिन, एसिटाइलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, PGI2, आइसोप्रोपानोल रिलैक्स स्मूथ मसल्स, तो दे विल डिक्रीज द वैस्कुलर रेजिस्टेंस. ऑक्सीजन टेंशन के कारण से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इट कैन कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन. ग्रेविटी का इफेक्ट आपको पता है. नाउ इफ यू सी हियर विथ वन सेंटीमीटर इंक्रीज इन द हाइट अबव द हार्ट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विल फॉल 0.74 mmHg. इसी तरह से नीचे जाओगे तो 0.74 mmHg इंक्रीज हो जाएगा. सो प्रेशर एट द लेवल ऑफ द हार्ट इज 14 mmHg, जो कि हमने एवरेज माना था 14 to 15 mmHg पल्मोनरी प्रेशर रहता है. अब अगर आप अपेक्स पे चले जाओ तो 10 सेंटीमीटर ऊपर चले गए तो 10 × 0.74 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 7.4 mmHg आपको घटाना पड़ेगा उसमें. और वैसे ही बेस पे जाओगे तो 7.4 mmHg, सॉरी इट इज 5 सेंटीमीटर बिलो, सो यू हैव टू ऐड 3.4 mmHg आपको ऐड करना पड़ेगा. तो इसी हिसाब से 3 जोन्स के अंदर हमारा जो लंग है वो डिवाइडेड होता है, अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन. So you can go and read all these things. We have already explained you. देख लेना एक बार. ये थोड़ा this thing is remaining. We'll see whenever get a chance. ठीक है. काम का टॉपिक खत्म हो गया.